हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी इस वीडियो में हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज का यूज करेंगे उसके साथ साथ हम लॉजिक गेट्स को भी इंप्लीमेंट करेंगे। Example 6. If switch 1 is on, then LED 1 will be on. If switch 2 is on, then LED 2 will be on and LED 1 will be off. If switch 3 is on, then LED 3 will be on and LED 2 will be off. If switch 4 is on, then LED 4 will be on and LED 3 will be off. Note, do not turn the switches off once turned on. यानी कि जब हम स्विच वन को ऑन करेंगे एलईडी वन ऑन होगा और उसके बाद स्विच वन को ऑफ करने के बगैर जब हम स्विच टू को ऑन करेंगे उसकी वजह से एलईडी वन ऑफ होगा और एलईडी टू ऑन होगा और उसके बाद जब हम स्विच थ्री को ऑन करेंगे एलईडी थ्री ऑन होगा और एलईडी टू ऑफ होगा और उसके बाद जब हम स्विच फोर को ऑन करेंगे तो एल ईडी फोर ऑन होगा और एल ईडी थ्री ऑफ होगा तो इस एग्जाम्पल में हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज करेंगे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स हम एल को बंद करने के लिए ऑफ करने के लिए यूज करेंगे यानी कि जब स्विच ऑन होगा तब एल बंद होगा तो उस लिए हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज करेंगे अब मैं स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक को ओपन करता हूं रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रख के अप्लाई पर क्लिक करूंगा और उसके बाद डायरेक्टली मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा और यहां पर फुल स्क्रीन मोड पर क्लिक करूंगा और उसके बाद जूम इन करूंगा तो सबसे पहले एलईडी ई वन के लिए हमें एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए और एक क्वाइल उसके बाद नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को मैं एड्रेस दूंगा एज आई जीरो पॉइंट जीरो और सिंबल दूंगा स्विच वन यस और उसके बाद नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट मैं एड्रेस दूंगा एज आई जीरो पॉइंट वन और सिंबल स्विच टू यस और उसके बाद क्वायल को भी एड्रेस दूंगा क्यू जीरो पॉइंट जीरो और सिंबल एलईडी वन यस yes. यानी कि जब स्विच वन ऑन होगा तब एलईडी ई वन ऑन होगा और जब स्विच टू ऑन होगा तब एलईडी ई डी वन ऑफ होगा और उसके बाद मैं और एक रंग ऐड करूंगा एलईडी ई डी टू के लिए और पहली मैं एक क्वाइल को इंसर्ट करूंगा और इसको एड्रेस दूंगा मैं एज़ क्यो ज़ीरो पॉइंट वन और उसके बाद मैं इसको सिंबल दूंगा एल ई टू यस yes. तो एलईडी 2 टू ऑन होगा जब स्विच टू ऑन हो तो मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और उसको एड्रेस दूंगा एज आई जीरो पॉइंट वन जो कि स्विच टू है यानी कि जब स्विच टू ऑन होगा एलईडी 2 टू ऑन होगा और फिर जब हम स्विच थ्री को ऑन करेंगे तब एलईडी 2 टू ऑफ होना चाहिए तो उसके लिए हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज़ करेंगे और इसको मैं एड्रेस दूंगा एज आई ज़ीरो पॉइंट टू और सिंबल स्विच थ्री यानी कि जब स्विच थ्री ऑन होगा तब एलईडी ई टू ऑफ हो जाएगा और उसके बाद मैं और एक रंग ऐड करूंगा एलईडी थ्री के लिए तो पहले मैं एक कॉयल को इंसर्ट करूंगा और इसको एड्रेस दूंगा क्यों जीरो पॉइंट टू और सिंबल एलईडी थ्री यस तो एलईडी थ्री स्विच थ्री से ऑन होगा उसके लिए मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको एड्रेस दूंगा आई जीरो पॉइंट टू जो कि स्विच थ्री है यानी कि जब स्विच थ्री ऑन होगा तब एल ई डी थ्री ऑन होगा और फिर जब स्विच फोर ऑन होगा एल ई डी थ्री ऑफ हो जाएगा तो स्विच फोर के लिए हम यहाँ पर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज करेंगे तो मैं इसको एड्रेस दूंगा एज आई ज़ीरो पॉइंट थ्री और उसके बाद सिंबल स्विच फोर यस yes. और उसके बाद एल ई डी फोर के लिए मैं और एक रंग ऐड करूंगा और यहां पर मैं एक कॉयल को इंसर्ट करूंगा एल ई डी फोर के लिए तो इसको मैं एड्रेस दूंगा क्यों जीरो पॉइंट थ्री और सिंबल एल ई डी फोर यस तो एल ई डी फोर किससे ऑन होगा स्विच फोर से उसके तो लिए मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का यूज़ करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा एस आई ज़ीरो पॉइंट थ्री जो कि स्विच फोर है तो जब स्विच वन ऑन होगा तब एल ई डी वन ऑन होगा और फिर जब स्विच टू ऑन होगा एल ई डी टू ऑन हो जाएगा और यहां पर इस स्विच टू की वजह से एल ई डी वन ऑफ हो जाएगा फिर जब स्विच थ्री ऑन होगा तब एल ई डी थ्री ऑन होगा और यहां पर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से जब स्विच थ्री ऑन होगा तब एल ई डी टू ऑफ हो जाएगा और फिर जब स्विच फोर ऑन होगा तब एल ई डी फोर ऑन होगा और यहाँ पर इस नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से एल ई डी थ्री ऑफ हो जाएगा तो मैं फुल स्क्रीन मोड को एग्जिट करूँगा और फिर उसके बाद कमिश्निंग में जाके लॉन्च सिम्युलेटर करूँगा उसके बाद कंट्रोलर को स्टार्ट करूंगा तो वापस प्रोग्रामिंग टैब पे और फुल स्क्रीन मोड तो सबसे पहले जब मैं स्विच वन को ऑन करूंगा तो एलईडी वन ऑन हो गया और फिर स्विच वन को ऑफ करने के बगैर मैं स्विच टू को ऑन करूंगा और जब मैंने स्विच टू को ऑन किया यहाँ पर यह नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट है यह करंट को फ्लो होने नहीं देगा तो इसकी वजह से एल ई डी वन ऑफ़ हो गया और यहाँ पर यह नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट है फॉल्स स्टेट में है तो यहाँ से भी करंट पास होगी और एल ई डी टू हमारा ऑन हो गया उसके बाद जब मैं स्विच थ्री को ऑन करूँगा तो यहाँ पर स्विच थ्री की वजह से जब यह ऑन हो गया उसकी वजह से एल ई डी टू ऑफ़ हो गया और नीचे इस स्विच थ्री की वजह से जो ट्रू स्टेट में है और जो स्विच फोर फॉल स्टेट में ये अभी तो ये करंट को फ्लो होने देगा और हमारा एल ई डी थ्री ऑन हो गया और फिर जब मैं स्विच फोर को ऑन करूँगा इस स्विच फोर की वजह से इस स्विच फोर की वजह से जो कि यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है उसकी वजह से यहाँ पर जो एल ई थ्री है वो ऑफ हो गया और यहाँ पर जो स्विच फोर नॉर्मली ओपन कांटेक्ट है जब हमने इसको ऑन किया उसकी वजह से हमारा एल ई फोर ऑन हो गया थैंक यू फॉर वॉचिंग